ताहिर साहब, इस बार पुराना पेंशन स्कीम 2023 में इनको लागू करना पड़ेगा, अन्यथा सत्ता से बाहर हो जाएगी। अब भारत की जनता जो है ना वोट नहीं देगी। 5 किलो अनाज के लिए जिस देश की जनता पूरे दिन कतारों में खड़ा रहती है, इससे पता चलता है कि देश को मुद्दा जो है ना राष्ट्रीय मुद्दा बना, जन जन का आंदोलन बना ओपीएस। तो कर्नाटक में सरकार हारी कि नहीं हारी? बीजेपी की सरकार थी ना कर्नाटक में, क्यों हार गई? ओपीएस हरा दिया वहाँ पर। हिमाचल प्रदेश के हैं जेपी नड्डा साहब, जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। हिमाचल में ओपीएस जो है राष्ट्रीय मुद्दा बना, बीजेपी सरकार चली गई। आज 5 राज्य में जो है ना ओपीएस लागू हो गया है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड, हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल हो गया है। और सुनिए, संघ का जो है पूरे हिंदुस्तान में मैंने इसका जो है संगठन चल रहा है। भारतीय मजदूर संघ जो है मजदूरों के हितैषी संगठन है। ये मजदूरों के हित की बात करते हैं। ये कहते हैं हम मजदूरी करते हैं तो मजदूरी का हम पूरा दाम लेंगे, पूरा पैसा लेंगे, पुराना पेंशन स्कीम हम लेंगे, नया पेंशन स्कीम हम नहीं लेंगे। अगर नया पेंशन स्कीम अगर बढ़िया है तो नेता लोग क्यों नहीं लेते? जब एक देश है, एक कानून है, एक संविधान है, और हमारे संविधान में जितना वोट का कीमत राष्ट्रपति का है, उपराष्ट्रपति का है, मंत्री, सांसद, विधायक का है, उतना एक आम इंसान का वोट का कीमत है। तो जब वही पुराना पेंशन स्कीम जब सरकार के लोग ले रहे हैं, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, लोकसभा सांसद हो, राज्यसभा सांसद हो, विधान पार्षद हो, तो वो जब पुराना पेंशन स्कीम ले रहे हैं तो हम मजदूरों को क्यों नहीं पुराना पेंशन स्कीम सरकार दे रही है? हम तो देश को बनाते हैं, हम मजदूरी करते हैं, हम कड़ाके की ठंडी में भी काम करते हैं, मूसलाधार बारिश में काम करते हैं, आंधी और तूफान में काम करते हैं, चिलचिलाती धूप में काम करते हैं। आप जानते हैं कि अभी जो है ठंडी का मौसम आ गया, दिखाई नहीं पड़ेगी, दुनिया ठंडी में, रजाई में। अरे घर घर मोदी मोदी हो रहा है और आप मोदी को कोसने में लगे पड़े। मोदी घर घर क्या हो रहा है? अगर घर घर मोदी होता तो 4 बार आंदोलन ओपीएस को होकर लेकर के हो गया है। अगस्त में हुआ, नवंबर में, क्या कहते हैं, अक्टूबर में हुआ, नवंबर में हो रहा है। पूरे देश के लोग आए ओपीएस के डिमांड को लेकर के, जो ओपीएस बहाल करो और पूरा नया पेंशन स्कीम खत्म करो। मोदी जी पर विश्वास नहीं है? विश्वास रहते 10 साल हो गया, मोदी जी पुराना पेंशन स्कीम लागू कर देता। मोदी जी कह रहे ना गारंटी देते हैं तीसरी बार आएंगे तो सारा अधूरा काम पूरा होगा। तीसरा बार नहीं, 10 साल का कार्यकाल कम नहीं होता है साहब। इस बार पुराना पेंशन स्कीम 2023 में इनको लागू करना पड़ेगा, अन्यथा सत्ता से बाहर हो जाएगी ये सरकार। कोई नहीं है टक्कर में। क्या बात करते हैं, कोई टक्कर नहीं है। 10 करोड़ तो हमारी आबादी है, हम सरकारी कर्मचारी का जो आबादी है, समझ लेंगे ना, 10 करोड़ की आबादी है सरकारी कर्मचारी की, दोस्त, महीन, रिश्तेदार, समाज, ये लोग वोट नहीं करेंगे तो सरकार सत्ता से बाहर हो जाएगी। आप कर रहे हैं सरकार को बहाल करना पड़ेगा पुराना पेंशन स्कीम। पुराना स्कीम जो है ना बुढ़ापा का सहारा है, चादर है, सम्मान, मान, शान है। भैया एक चीज बताइए, जो कर्मचारी 30 साल 40 साल 2028 तक मोदी जी राशन दे रहे हैं अनाज भर कर, 5 किलो अनाज पर भारत की जनता जो है ना वोट नहीं देगी। 5 किलो अनाज के लिए जिस देश की जनता पूरे दिन कतारों में खड़ा रहती है, इससे पता चलता है कि देश कहाँ गया है, देश की क्या हालत है। विकास, देश का विकास क्या? देश का 5 किलो अनाज लेने वाले का मतलब क्या? देश का विकास, देश का विकास क्या? देश का विकास है? किसान और आत्महत्या कर रहे हैं, किसान को MSP नहीं दे रहे हैं, किसान जितना लागत लगाते हैं उसका वापस भी नहीं कर पाते हैं किसान हैं, किसान के बच्चे के तन पर कपड़ा नहीं है, किसान के सिर के ऊपर छत नहीं है, किसान के खेत में पानी नहीं है, किसान के खेत में बिजली नहीं है। किसान जो किसान पूरे हिंदुस्तान को भोग 56 भोग कराता है, वो किसान की दयनीय हालत है साहब। जो बच्चा से देश बनता है, आज का बच्चा कल का भविष्य है, कल का भारत है, मजबूत भारत है, उस बच्चा को संपूर्ण आहार नहीं मिल रहा है। आप 70 रुपया लीटर दूध, अयोध्या सज गया है। क्या सज गया है? राम मंदिर दे दिया, बताइए। अरे माँ, राम मंदिर मोदी जी दे दिया? राम मंदिर तो समाज के लोगों ने दिया, कोर्ट में दोनों पक्ष के लोग गया, कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय के सबों ने सम्मान किया,
और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन तमाम हिंदुस्तान के लोगों ने मिलकर के राम मंदिर को बनाया। चारों राज्यों में बीजेपी आ रही है, कहाँ बीजेपी आ रही है, मध्य प्रदेश, आप सुन लीजिए आप मेरी बात। ओपीएस को मुद्दा जो है ना राष्ट्रीय मुद्दा बना, जन जन का आंदोलन बना ओपीएस, तो कर्नाटक कर्नाटक में सरकार हारी कि नहीं हारी, बीजेपी की सरकार थी ना कर्नाटक में, क्यों हार गई, ओपीएस हरा दिया वहाँ पर। हिमाचल प्रदेश के हैं जेपी नड्डा साहब जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, हिमाचल में ओपीएस जो है राष्ट्रीय मुद्दा बना, बीजेपी सरकार चली गई। आज पांच राज्य में जो है ना ओपीएस लागू हो गया है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड, हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल हो गया है। और सुनिए सुनिए एक मिनट सुनिए सुनिए सुनिए, और वेस्ट बंगाल अभी जितने भी राज्य है ना, राहुल गांधी पांचवा पनौती बता रहे हैं देश के मजबूत प्रधानमंत्री। अरे मजबूत प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री अपने मजदूरों को ओपीएस नहीं दे पा रहे हैं, वो वैसे प्रधानमंत्री मजबूत हैं, 40 साल नौकरी करेगा। ये सुनिए सुनिए, अपनौती छोड़िए, उस मुद्दे पर नहीं जाऊंगा। आज देश का प्रधानमंत्री मजबूत कौन होता है, एक चीज बताइए, 30 साल 35 साल लोग सरकारी नौकरी करेगा, रिटायरमेंट के बाद 2000-3000 उसको पेंशन मिलेगा, तो वो प्रधानमंत्री मजबूत प्रधानमंत्री कैसे हो गया? जो अपना मजदूर को पेंशन नहीं दे पा रहा है वो मजबूत कैसे हो गया? मजबूत तो पहले वाली सरकार थी ना जो कि पेंशन देती थी, पेंशन की बात करती थी। पुराना पेंशन स्कीम जो सरकार लागू करेगी वही सरकार को हम मजबूत सरकार मानेंगे। एक चीज़ बताइए, पुराना पेंशन स्कीम को लेकर के सिर्फ सरकारी कर्मचारी आंदोलन नहीं कर रहा है, अरे साहब खेत में काम करने वाले मजदूर का भी बेटा पढ़ाई करता है, किसान का बेटा पढ़ाई करता है, बस चलाने वाले, ट्रक चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, ऑटो चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, कूड़ा बीनने वाले, सफाई करने वाले का बेटा भी आजकल स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, जो सरकारी नौकरी लेंगे, देश का सेवा करेंगे और रिटायर करेंगे तो पुराना पेंशन स्कीम भी मिलेगा। जो है ये खेल को खेल के भावना से देखना चाहिए। हमारी टीम जो है ना विश्व में परचम लहराया, लगातार 10 मैच हमने जीता, हमने अपना 4 पड़ोसी देशों को हराया, श्रीलंका को, बांग्लादेश को, पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, सुनिए सुनिए मैं बता रहा हूँ, हमने ऑस्ट्रेलिया को भी इसी वर्ल्ड कप में हराया, हमने इंग्लैंड को हराया, नीदरलैंड को हराया, साउथ अफ्रीका को हराया। हमारा देश क्या टीम जो है क्रिकेट टीम वर्ल्ड चैंपियन है, 10 देशों को हरा करके हमने फाइनल में पहुंचा, लेकिन हमें भरोसा था कि फाइनल मैच हम जीतेंगे, हमको ये भी भरोसा था कि हम हारेंगे, क्योंकि हम लगातार जीत रहे हैं तो हम हारेंगे, लेकिन ये भरोसा नहीं था कि हम फाइनल ही हारेंगे। चलिए खेल खेल की भावना से है, हम उप विजेता बने हैं, या जो है ना महाकुंभ का मेला नहीं है कि 12 साल में आएगा, 4 साल में आएगा, 2027 में फिर वर्ल्ड कप होगा। हम लोगों की शुरू से मांग है राष्ट्रीय कर्मचारी परिसंघ, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ की, हिंदुस्तान के समस्त मजदूरों की एक ही मांग है कि न्यू पेंशन स्कीम जो 2004 के बाद लागू हुई थी उसको पूर्णतः समाप्त करके, और जो 1972 अधिनियम में पुरानी पेंशन है उसको लागू। भारतीय मजदूर संघ आंदोलन करता है, मांग पूरी क्यों नहीं होगी? सरकार को सोचना पड़ेगा, सरकार जनता के बीच में जाएगी और कर्मचारी हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करता है, और सरकार को हिलाने और सरकार से मांग मनवाने की क्षमता भी आंदोलन जी भी नहीं करती। सरकार अगर अच्छा काम करती है, धारा 370 खत्म करती है तो हम उसका स्वागत करते हैं, सरकार राम मंदिर का निर्माण करती है हम स्वागत करते हैं, सरकार राष्ट्रीय हित में फैसले लेती है हम स्वागत करते हैं, हम सरकार के परंपरागत विरोधी नहीं है, पर हम मजदूरों को भी अनदेखा नहीं कर सकते। मजदूर हमारी एक डिमांड है, हमारी मजदूर हिंदुस्तान को कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर कितने, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उस पर सरकार का समर्थन है, पर एक हमारा नैतिक दायित्व है कि हिंदुस्तान के मजदूरों के बारे में भी सरकार को सोचना पड़ेगा, और यही सरकार सोच सकती, दूसरी सरकार नहीं सोच सकती। इसी सरकार में दम है जो मजदूरों के बारे में सोच सकती है और न्यू पेंशन समाप्त कर सकती है। राहुल गांधी जी से पूछे कि 10 साल जब सरकार केंद्र में रही 2004 के बाद, तो पार्लियामेंट में और राज्यसभा में अध्यादेश पारित करा के किसने लागू कराया न्यू पेंशन? जिस तरीके से पोटा कानून समाप्त किया था उसी तरीके से न्यू पेंशन भी समाप्त कर देते? ये तो राजनीति है, आज उनके पास कहीं खड़े होने की जगह नहीं है, तो कोई भी मुद्दे उठाते हैं, जब वो कुछ मुद्दा मिल जाए देश के अंदर, देश की जनता जानती है। और जब न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई थी तो पूरे हिंदुस्तान के सिर्फ पश्चिम बंगाल का राज्य छोड़ के सारे राज्यों ने पारित किया था, क्यों किया था? उस समय कांग्रेस की कई जगह राज्य की सरकारी थी। ये तो राजनीति है राहुल गांधी जी की,
मजदूरों के हित की बात की नहीं है, हमारी तो मजदूर हित की बारी सरकार नहीं है, हमारी कोई भारतीय मजदूर संघ की कोई सरकार नहीं होती। राष्ट्रीय हित में जो फैसला लेता है उसके साथ भारतीय मजदूर संघ खड़ा है। मजदूर हिंदुस्तान मिला, हमारा देश बना है, ऐसा भारत की भौगोलिक सीमाएं के टुकड़े हुए हैं, जो हमको वीजा लेके जाना पड़ता था, जो हिंदुस्तान के अंदर दो प्रधान थे, दो संविधान थे, क्यों हमारे वहाँ नागरिकता, हमारा आदमी यहाँ रह नहीं सकता था, वहाँ शादी नहीं कर सकता था, वहाँ जमीन नहीं खरीद सकता था, काफी चीजें थी, वहाँ आरक्षण लागू, धीरे माहौल बनेगा, ये तो सरकार का फैसला है, जो कश्मीरियों का फैसला वो करेंगे, पर कोई भी चीज़ तो तुरंत नहीं बन जाती ना, उसके लिए एक माहौल तो बनाना पड़ता। आप देख रहे हैं विश्व परिदृश्य में इजराइल का देख रहे हैं कि इजराइल अपनी जमीन के लिए, अपने देश के लिए कितनी ईमानदारी पूर्वक लड़ रहा, कितनी आहुतियाँ दी अपने राष्ट्र के लिए, तो वही हिंदुस्तान है। 370 खत्म हुई है, माहौल बनेगा धीरे धीरे, क्यों नहीं बनेगा, स्पष्ट बनेगा। बेरोजगारी है, बिल्कुल है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी सरकार को दूर करना चाहिए, बेरोजगारी है और बहुत जोरों पर है बेरोजगारी। सरकार के लिए जो नकारा है उसके पास काम नहीं है, ऐसा नहीं है, सरकार 10-15 सालों में कोई पोस्टें नहीं निकाल रही, सरकार रेलवे में नहीं निकाल रही, डिफेंस में नहीं निकाल रही, हमारे यहाँ 1,76,000 पद स्वीकृत है, मात्र 62 ओछी मानसिकता है, कभी अपन जीतते हैं कभी हारते हैं, ये इस विषय में मेरी कोई ये ओछी मानसिकता, इस विषय में कुछ नहीं बोल सकता मैं, ये ऐसा है, खिलाड़ी खेलता भी है, 10 मैच खेले भी हैं, क्रिकेट है, कोई भी गेम है, ये तो किसी भी के साथ भी हो सकता है। अब देखिए मैं राजनीतिक कार्यकर्ता तो नहीं हूँ, राहुल गांधी से आप पूछ के बताइए मैं क्या बोलूँ, हम तो भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता हैं, हम इतना बता रहे हैं, हम तो राजनीतिक बातें हैं नहीं, हमारा स्पष्ट ये है कि न्यू पेंशन स्कीम समाप्त करिए, और हम मजदूरों के बीच में कह सकें कि सरकार ने काम किया है, और हमारा एक ही मुद्दा है जिसके लिए हम दिल्ली आए हैं, कि न राजनीति से, न सरकार के पक्ष में, न विपक्ष में, हम सरकार से सिर्फ एक मांगने आए हैं, बताने आए हैं कि हमारा न्यू पेंशन स्कीम खत्म करिए और पुरानी पेंशन स्कीम लागू कीजिए, क्योंकि पूरा विश्वास है इसी, ये सरकार में ही हिम्मत है करने की, बाकी सरकारों में नहीं है।